हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस मैथमेटिक्स लाइव लेक्चर चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स पार्ट 23। उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट सेशन में मिसेलिनियस एक्सरसाइज नंबर 7 पर हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप सभी को मेरी आवाज़ सुनाई देती है? कोई बात नहीं, वेरी गुड, अच्छी बात है। लेट अस डिस्कस। एग्जाम्पल नंबर 19, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स डिवाइड बाई साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स एंड कंडीशन इज गिवन एक्स इज बिलोंग्स टू फ्रॉम 0 to 1। We know very well sin inverse root x plus cos inverse root x is equal to pi by 2 from trigonometric inverse functions। ये तो हमें मिल ही जाएगा, लेकिन इन दोनों में से किसी एक टर्म को रखेंगे तो if we want to express cos inverse root x तो उसके ऊपर लिखा जाएगा pi by 2 minus साइन इनवर्स रूट एक्स। सो न्यू इंटीग्रेंट बिकम साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई टू माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स डिवाइड बाई पाई बाई टू डी एक्स। इट इज 2 टाइम्स साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई टू अपॉन पाई बाई टू डी एक्स by separate division 4 upon pi sin inverse root x dx minus integration only dx। यहाँ पर तो 1 ही बचेगा, ये division, यहाँ पर 2 comes in numerator, ये रहेगा। therefore I is equal to 4 upon pi I1 minus x plus c equation number 1 and we know very well where I1 is equal to integration sin inverse root x dx। यहाँ पर हम दो तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो हम ऑर्डर ले सकते हैं या तो डायरेक्टली UV मेथड से कर सकते हैं। फिर भी by integration by parts लेकिन सबसे पहले हम ऑर्डर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, देयरफॉर dx इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। सो I1 कैन रिप्रेजेंट एज साइन इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, dx इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। रूट साइन स्क्वायर मीन साइन, साइन इनवर्स एंड साइन कैंसल, सो ओनली थीटा इज हियर एंड साइन 2 थीटा हियर डी थीटा। अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट लेट यू इज इक्वल टू थीटा एंड वी इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, डी यू बाय डी थीटा इज इक्वल टू 1, इंटीग्रेशन वी डी थीटा साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? सो आई वन कैन रिप्रेजेंट एज यू इंटू
माइनस कॉस टू थीटा अपन टू माइनस इंटीग्रेशन वन इन टू माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई टू डी थीटा, देयर फॉर माइनस थीटा इंटू कॉस टू थीटा अपन टू माइनस एन माइनस प्लस कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन होगा प्लस साइन टू थीटा डिवाइड बाई फोर प्लस सी वन वी वन कुछ ले सकते हम, बट वी नो वेरी वेल साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स, देयर फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू रूट एक्स एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स. वी रिक्वायर्ड कॉस टू थीटा, सो कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर मीन्स एक्स, तो इसकी जो वैल्यू है वो वन माइनस टू एक्स है. हाँ, यदि हमें माइनस निकालना है तो टू एक्स माइनस वन हम ले सकते हैं. क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? फिर से माइनस थीटा कॉस टू थीटा डिवाइड बाई टू, यहाँ पर फॉर्मूला होगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई फोर, टू टू जा फोर, देयर फोर आई वन कैन रिप्रेजेंट एज माइनस थीटा मीन्स साइन इनवर्स रूट एक्स, कॉस टू थीटा मीन्स वन माइनस टू एक्स डिवाइड बाई टू प्लस साइन थीटा मीन्स रूट एक्स एंड कॉस थीटा मीन्स अंडर रूट वन माइनस एक्स. वो कैसे? कॉस थीटा मीन्स स्क्वायर रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा डिवाइड बाई टू. क्लियर दोस्तों? पुट इट इन इक्वेशन नंबर वन एंड वी गेट फाइनली आंसर आई वन इज इक्वल टू फोर अपन पाई इन टू, यहाँ पर देखिए टू एक्स माइनस वन इन टू साइन इनवर्स रूट एक्स डिवाइड बाई टू प्लस अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, ये होगा आंसर. एग्जाम्पल नंबर 19 का ये रहेगा आंसर. यदि पूरा ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो फाइनल आंसर क्या रहेगा? तो 2 टू जा 4, तो 2 अपन पाई इन टू टू एक्स माइनस वन इन टू साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस अगेन 2 अपन पाई अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस सी इज द राइट आंसर. क्या आप समझ सकते हैं दोस्तों? एकदम से क्लियर? हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से. ये रहेगा फाइनल आंसर. क्लियर दोस्तों? चलिए सेम वे एग्जाम्पल नंबर 39 आप खुद प्रैक्टिस करें. एग्जाम्पल नंबर 20 टोटल स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस रूट एक्स अपन वन प्लस रूट एक्स डी एक्स.
तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, रूट है इसीलिए डाउट रहेगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक ऑर्डर लेंगे, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस टू थीटा भी ले सकते हैं, थीटा भी ले सकते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टू थीटा, बट वी रिक्वायर्ड ऑल्सो डी एक्स, सो डी एक्स इज इक्वल टू टू इन टू कॉस टू थीटा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टू थीटा इन टू टू डी थीटा। क्लियर? ओके, सो अवर न्यू इंटीग्रल बिकम टोटल स्क्वायर रूट में वन माइनस कॉस टू थीटा अपन वन प्लस कॉस टू थीटा इंटू माइनस टू इंटू टू माइनस फोर कॉस टू थीटा साइन टू थीटा डी थीटा। सी माइनस फोर कॉमन इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है अंडर रूट टेंस कर थीटा कॉस टू थीटा साइन टू थीटा डी थीटा, माइनस फोर स्क्वायर रूट में टेन स्क्वायर मतलब टेन, टेन मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस टू थीटा एज इट इज, बट साइन टू थीटा मीन्स टू इन टू साइन थीटा इन टू कॉस थीटा डी थीटा, वन टाइम कॉस एंड कॉस कैंसल, तो टू इन टू साइन स्क्वायर थीटा एंड वी हैव द फॉर्मूला कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। हेलो डियर फ्रेंड्स, टू इन टू, अच्छा वो टू रहने देंगे हम, चलेगा। सो माइनस फोर टू इन टू टू फोर साइन स्क्वायर थीटा इन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। हेलो डियर फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला है टू साइन थीटा इन टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मीन्स वॉट, इसका ये मतलब होगा साइन टू थीटा होल स्क्वायर रहेगा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन स्क्वायर के लिए इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री साइन स्क्वायर टू थीटा का मतलब होगा वन माइनस कॉस फोर थीटा डिवाइड बाई टू, टू इन टू वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई टू डी थीटा कॉमनली। यहां पर टू एलसीएम कॉमन रहेगा, माइनस टू इंटीग्रेशन वन माइनस कॉस फोर थीटा माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू कॉस टू थीटा डी थीटा। ध्यान से दोस्तों, सो फाइनली आगे बढ़कर माइनस टू इंटीग्रेशन माइनस वन, क्या आप समझ सकते हैं, वन यहाँ पर वन माइनस टू का मतलब होगा माइनस वन, माइनस कॉस फोर थीटा एंड प्लस टू इंटू कॉस टू थीटा डी थीटा। माइनस अंदर सबके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव टू। अच्छा, सबका पहले इंटीग्रेशन ले लेते हैं, फिर बाद में जो करना है करेंगे, सबसे पहले सबका ले लेंगे इंटीग्रेशन। माइनस टू एज इट इज, यहाँ पर इंटीग्रेशन माइनस थीटा माइनस साइन फोर थीटा डिवाइड बाई फोर प्लस टू इन टू साइन टू थीटा डिवाइड बाई टू प्लस सी। सो टू थीटा माइनस माइनस प्लस टू इन टू साइन फोर थीटा अपॉन फोर माइनस टू टू कैंसल माइनस टू इन टू साइन टू थीटा प्लस सी। टू थीटा प्लस टू टू जा फोर, टू इन टू साइन टू थीटा इन टू
कॉस टू थीटा डिवाइड बाई टू माइनस टू इंटू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी। कॉस टू थीटा ऑर्डर लिया है इसीलिए हम इसे सेपरेट नहीं करेंगे, तो हम यहां पर साइन टू थीटा एज इट इज रखेंगे, टू टू कैंसल। बट वी नो वेरी वेल डियर फ्रेंड्स, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू रूट एक्स, देयर फोर टू थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट एक्स एंड साइन टू थीटा इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट में वन माइनस कॉस स्क्वेयर टू थीटा मीन्स वन माइनस एक्स। सो फाइनली आई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस साइन टू थीटा का मतलब होगा अंडर रूट वन माइनस एक्स, कॉस थीटा अंडर रूट एक्स माइनस टू अंडर रूट वन माइनस एक्स प्लस सी। ये है फाइनल रिजल्ट, इसे और भी अच्छे तरीके से लिखेंगे। सो कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस टू इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स प्लस सी एंड दिस इज द फाइनल आंसर। हेलो डियर फ्रेंड्स, गॉट इट? एक बार फिर से देख लीजिए, नाउ सेम वे एग्जाम्पल नंबर 23, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स अपन वन प्लस एक्स डी एक्स। दोस्तों सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस पूरे इंटीग्रल को सिंपलेस्ट कैसे बना सकते हैं। तो एक बात तो तय है कि यहाँ पर टेन इनवर्स है, तो अंदर में टेन की फॉर्मूला बनानी है। टेन की फॉर्मूला बनाने के लिए एक्स क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए कॉस टू थीटा, डी एक्स क्या होना चाहिए तो माइनस साइन टू थीटा इन टू टू डी थीटा। सो आई इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस टू थीटा अपन वन प्लस कॉस टू थीटा इन टू माइनस टू साइन टू थीटा डी थीटा। ये फॉर्मूला होगी टेन स्क्वायर थीटा की माइनस टू साइन टू थीटा डी थीटा। टेन स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा टेन थीटा, टेन थीटा टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा मीन्स थीटा। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? ओके, तो यहां पर बचेगा थीटा इन टू माइनस टू साइन टू थीटा डी थीटा। सो न्यू इंटीग्रल बिकम माइनस टू थीटा इंटू साइन टू थीटा डी थीटा। तो ये हुआ दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से हम आगे बढ़ेंगे लेटेक वर्ड को ध्यान रखते हुए। तो लेट यू इज इक्वल टू माइनस टू थीटा
एंड वी इज इक्वल टू साइन टू थीटा, डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस टू, एंड इंटीग्रेशन वी डी थीटा मीन्स माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू थीटा अपन कोएफिशिएंट टू. सो आई इज इक्वल टू सबसे पहले होगा यू मीन्स माइनस टू थीटा इन टू माइनस कॉस टू थीटा अपन टू माइनस इंटीग्रेशन में माइनस टू इन टू माइनस कॉस टू थीटा अपन टू डी थीटा. टू टू यहाँ से कैंसल, माइनस माइनस प्लस, थीटा इन टू कॉस टू थीटा, टू टू कैंसल, माइनस माइनस प्लस, अगेन माइनस कॉस टू थीटा डी थीटा. देयर फॉर थीटा इन टू कॉस टू थीटा माइनस कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन टू थीटा डिवाइड बाई टू प्लस सी. लेकिन बट वी नो वेरी वेल कॉस टू थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये ऑर्डर है. तो यहां से टू थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स एंड थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स. सो साइन टू थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वेयर टू थीटा. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इट रिक्वायर वन माइनस एक्स स्क्वेयर. हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप एग्जाम्पल को अच्छी तरह समझ रहे हैं, एकदम से क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा फाइनल आंसर क्या रहेगा. फाइनल आंसर में वन बाई टू कॉस इनवर्स, वन बाई टू कॉस इनवर्स रूट एक्स, कॉस टू थीटा के बदले आएगा एक्स इन टू एक्स, फिर माइनस साइन टू थीटा के बदले रहेगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई टू प्लस सी. वन बाई टू कॉमन, एक्स इन टू कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी, ये होगा रिजल्ट. क्या आप समझ सकते हैं दोस्तों? एक बार फिर से देख लीजिए. दोस्तों तो ये है फाइनल आंसर. एग्जाम्पल नंबर 24 में हम आगे बढ़ते हैं. अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू लॉग एक्स डिवाइड बाय एक्स रेज टू फोर डीएक्स. यहाँ पर लॉग का सब्ट्रैक्शन, लेकिन यहाँ पर 2 है तो 2 के 2 को हम लेंगे पावर में. अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर अपन एक्स रेज टू 4 डीएक्स. वैसे तो मैंने कहा था यदि आपको इंटीग्रल में लॉग दिखाई देता है एट दैट टाइम वी टेक ऑर्डर लॉग समथिंग इज इक्वल टू टी. लेकिन ये भी हमें समझना होगा कि जो हम ऑर्डर लेते हैं उसका डिफरेंशिएशन क्या हमें अगल बगल में दिखाई देगा, तो नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर तो स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन है. हालांकि एक्स स्क्वायर प्लस वन ऑलरेडी यहाँ पर भी है, तो हम क्या करते हैं इस रूट में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं. ऐसे कई क्वेश्चन हम देख चुके हैं. आगे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट में रहेगा एक्स वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर रहेगी फोर इन टू लॉग. यहाँ पर भी हम एक्स स्क्वायर यदि कॉमन लेते हैं तो वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर
डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर डी एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वेयर कैंसल, यहाँ से भी वन एक्स कैंसल रहेगा, देयर फोर इंटीग्रल क्या कहलाएगा, अंडर रूट वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू वन अपॉन एक्स क्यूब इंटू लॉग ऑफ वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स, इक्वेशन नंबर वन। यहाँ पर देखिए ये दोनों टर्म सेम हो गए, सो लेट एज्यूम वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी ले लेते हैं, टी का स्क्वेयर भी ले सकते हैं, टी भी ले सकते हैं, चलेगा कोई बात नहीं। यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो रहेगा, माइनस एक्स की पावर रहेगी इन न्यूमरेटर विद एक्स बिकम हैविंग इंडेक्स माइनस टू, इसका इंटीग्रेशन माइनस टू इंटू एक्स रेज टू माइनस थ्री डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, वन अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन टू, ये टर्म देखिए बैलेंस हो चुका, सो न्यू इंटीग्रेंट बिकम अंडर रूट डी इंटू माइनस डी टी अपॉन टू इंटू लॉग ऑफ टी। चलिए क्लियर, फिर से लिखते हैं माइनस वन बाई टू लॉग टी इंटू टी रेज टू वन बाई टू डी टी, वंस अगेन इंटीग्रेशन टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बाय टेकिंग यूवी अकॉर्डिंग टू लिटेक, तो सबसे पहले लॉग फंक्शन है ही, इसे ही हम यू कंसीडर करेंगे, लेट यू इज इक्वल टू लॉग टी एंड वी इज इक्वल टू टी रेज टू वन बाई टू डी यू बाई डी टी, लॉग टी का डिफ्रेंशिएशन होगा वन अपॉन टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, सो टी रेज टू थ्री बाई टू अपन रहेगा थ्री बाई टू, सो आई बिकम माइनस वन बाई टू ऑलरेडी है, रिमेंबर इट, सबसे पहले आएगा लॉग टी इंटू टी रेज टू थ्री बाई टू अपन थ्री बाई टू माइनस इंटीग्रेशन वन अपन टी इंटू टी रेज टू थ्री बाई टू अपन थ्री बाई टू डी टी। चलो माइनस टू का तो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लॉग टी इंटू टी रेज टू थ्री बाई टू डिवाइड बाई टू इंटू थ्री बाई टू, माइनस माइनस प्लस वन बाई टू इंटू टू बाई थ्री इंटीग्रेशन टी की पावर न्यूमरेटर में टी रेज टू वन बाई टू डी टी, यहाँ से टी कैंसल, यहाँ से टू कैंसल, माइनस वन अपॉन थ्री लॉग टी इंटू टी रेज टू थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन थ्री, इसका भी इंटीग्रेशन होगा टी रेज टू थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू प्लस सी। अरेंज प्रॉपरली तो दोनों में देखिए थ्री कॉमन है एंड टी रेज टू थ्री बाई टू दोनों में कॉमन है, सो वी टेक कॉमन टी रेज टू थ्री बाई टू अपन थ्री, वॉट इज द रिमेनिंग, रिमेनिंग इज माइनस लॉग टी प्लस टू बाई थ्री ओनली प्लस सी, यही रहेगा, बट वी नो वेरी वेल वन प्लस वन अपन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी, है ना दोस्तों, सो फाइनल आंसर इज कॉमन किया गया तो वन अपॉन थ्री वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर होगी थ्री बाई टू टी रेज टू थ्री बाई टू, ब्रैकेट में रहेगा टू बाई थ्री पॉजिटिव पहले ले लिया, माइनस लॉग ब्रैकेट में वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये होगा रिजल्ट। ध्यान से देखिए दोस्तों, यदि बाहर में माइनस कॉमन लेते तब भी चलेगा, एक बार फिर से देख लीजिए,
क्लियर दोस्तों? एग्जाम्पल नंबर 25 से लेकर के 30 तक ऑलरेडी डन, नहीं किए तो आपको प्रैक्टिस करने हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 31 फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन 2x इन टू टेन इनवर्स साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, टेन इनवर्स जो है यहाँ पर x होना चाहिए और x की रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर साइन है तो हम साइन ही ऑर्डर लेंगे यहाँ पर। लेकिन उससे पहले इसे सिंपलेस करना होगा, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू टेन इनवर्स साइन एक्स डी एक्स। वंस अगेन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, 2 इंटू साइन एक्स इंटू टेन इनवर्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज रिमेनिंग इंटू डी एक्स, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो अवर न्यू इंटीग्रल बिकम 2 साइन एक्स है। अच्छा, एक बात दूसरी याद रखिए, आप वेरिएबल चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट भी चेंज करेंगे। तो हम कहते हैं इफ x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 रखेंगे तो t 0 ही मिलेगा, एंड इफ x इज इक्वल टू लेते हैं पाई बाई 2 सो t इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 रहेगा 1, सो लिमिट फ्रॉम 0 टू 1 टू टी, 2 साइन x के बदले 2 टी, फिर tan इनवर्स t रहेगा इन टू कॉस एक्स डी एक्स उसके बदले आएगा डी टी। अब यहाँ पर हमारे पास में यूवी के अतिरिक्त और कोई मेथड नहीं है, तो एल आई तो इनवर्स यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो इसे हम यू एज्यूम करेंगे। लेट यू इज इक्वल टू टेन इनवर्स टी एंड वी इज इक्वल टू टू टी, लेंगे डी यू बाई डी टी तो इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस टी स्क्वेयर, और इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो 2t² / 2। क्या आप समझ रहे हैं? सो आई इज इक्वल टू पहले आएगा टेन इनवर्स टी इन टू टी स्क्वेयर माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी स्क्वेयर इन टू टी स्क्वेयर डी टी, यहाँ पर लिमिट रहेगी फ्रॉम 0 टू 1 और यहाँ पर अप्लाई कर देना है लिमिट फ्रॉम 0 टू 1। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है दोस्तों। चलो टी इज रिप्लेस बाय 1 तो टेन इनवर्स 1 इन टू 1² माइनस, जब 0 लेंगे तो यहां पर सब कुछ 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पावर सेम है तो अरेंज करना है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के अंदर में। सो टी स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 1, यहां पर टी स्क्वेयर प्लस 1 डी टी, दोनों को सेपरेट डिवीजन करते हुए यहां पर वैल्यू क्या रहेगी? तो वैल्यू रहेगी पाई बाई 4, क्लियर? माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 1 डी टी। ये माइनस है लेकिन यहां पर आगे माइनस है, सो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 1 डी टी, लिमिट फ्रॉम 0 टू 1, लिमिट फ्रॉम 0 टू 1, ये टर्म्स कैंसल, इसका इंटीग्रेशन होगा टी लिमिट फ्रॉम 0 टू 1। यहां पर फॉर्मूला के जरिए फ्रॉम टेन इनवर्स टी फ्रॉम 0 टू 1 पाई बाई 4 माइनस 1 माइनस 0 टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0 0 ही हो जाएगा। सो पाई बाई 4 माइनस 1 प्लस अगेन पाई बाई 4, इन दोनों का एडिशन रहेगा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 मीन्स पाई बाई 2 माइनस 1, तो ये होगा
आंसर। एक बार अच्छी तरह ध्यान से देख लीजिए, क्लियर दोस्तों? हेलो डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? वेरी गुड, गुड। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 38। लेट आई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 टू 10³x dx प्रूव दैट इज इक्वल टू 1 - log 2। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहां पर 10³ का कोई फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। फ्रॉम 0 to π/4 10³ के बदले हम क्या लेंगे, 10²x (10x dx। अब ध्यान से देखिए तो 10²x की फॉर्मूला है sec²x - 1 (10x dx). दोनों को सेपरेट कर देंगे तो फ्रॉम 0 to π/4 sec²x (10x dx) -2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 (10x dx). यहां पर आपको पता होगा इंटीग्रेशन f(x)n f'(x dx). तो यहां पर एक का डेरिवेटिव दूसरा है, 10 का डेरिवेटिव क्या होगा तो sec²x, ये भी कह सकते हैं। और यदि एक sec को यहां पर ला देंगे तो sec का डेरिवेटिव का sec²x sec(x)(10x), तो 10 का डेरिवेटिव होता है sec²x, है ना? तो इंटीग्रेशन क्या होगा, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन होगा 10²x/2 लिमिट फ्रॉम 0 to π/4 -2, और 10 का इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड ऑफ sec(x), यहां पर भी लिमिट होगी फ्रॉम 0 to π/4। ठीक है दोस्तों, x इज रिप्लेस बाय π/4, देयरफॉर 2 × 10π/4 मींस 1/2। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, -2 × log(sec π/4 -log(sec 0). 2 कैंसल, ओनली 1 हियर, 1 - 2 × log(sec π/4 मीन्स √2 -log(1). log(1) ऑलवेज 0, 1 - 2 × log(2)/1/2, रूट का मतलब होगा अकॉर्डिंग टू पावर रूल, इसे लेंगे प्रोडक्ट में, सो 1 कैंसल, आंसर इज 1 - log(2), द बेस ई। तो इस तरह से इसका हमें आंसर मिलेगा। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों,
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 42। लेट इंटीग्रेशन कॉस टू एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वेयर डी एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हो तो सबके एंगल कॉमन होने चाहिए, तो कॉस टू एक्स की फॉर्मूला है कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वेयर डी एक्स। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के मुताबिक साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। डिवीजन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टू टाइम्स इनटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये टर्म पूरा कैंसिल रहेगा। अब देखिए साइन का डेरिवेटिव का कॉस एंड कॉस का होगा माइनस साइन, नीचे का डेरिवेटिव एग्जैक्टली न्यूमरेटर में है तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी एंड दिस इज द आंसर बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे एमसीक्यू नंबर 43। इफ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो दोस्तों जैसे ही x दिखाई देता है प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी 3 भी अप्लाई कर सकते हैं। x इज रिप्लेस बाय a प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, बट वी नो वेरी वेल दिस मीन्स एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इट इज गिवन। एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई विद दिस एंड मल्टीप्लाई विद दिस एंड सेपरेट देम फ्रॉम ए टू बी ए प्लस बी इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस फ्रॉम ए टू बी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड वी नो वेरी वेल दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड मीन्स आई। सो आई इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉमन एंड कॉन्स्टेंट फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस आई, I comes left side become positive and 2i is equal to a plus b integration from a to b f of x dx. So finally I is equal to a plus b by 2 integration from a to b f of x dx. Clear दोस्तों, और ये हमें दिखाई देता है option d, इसमें करेक्ट आंसर है ये। चलिए दोस्तों ये सब कुछ क्लियर है, एकदम से क्लियर, वेरी गुड। एंड लास्ट एंड फाइनल एमसीक्यू ऑफ दिस चैप्टर वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 tan inverse 2x minus 1 upon 1 plus x minus x square dx। एक बात अच्छी तरह ध्यान रखिए दोस्तों, यदि tan inverse के फॉर्मूला में यदि आपको 1 डिवीजन में सेपरेट दिखाई देता है तो tan inverse alpha plus beta upon 1 minus alpha beta और tan inverse alpha minus beta upon 1 plus alpha beta कॉमन ले सकते हैं। क्लियर, तो ध्यान दीजिए फ्रॉम 0 टू 1 tan इनवर्स, यहां पर हम सेपरेट करेंगे तो देखिए x प्लस x माइनस 1 तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1। डिवीजन में यदि हम x कॉमन लेते हैं तो रहेगा 1 माइनस x dx। फ्रॉम 0 टू 1
टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स माइनस वन, या तो फिर हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखिए लिमिट फ्रॉम जीरो टू वन का मतलब होगा जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन, एक्स इज लेस देन वन, तो हम यहां पर रखेंगे वन माइनस एक्स, तो माइनस कॉमन लेना होगा। तो यदि माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा वन माइनस एक्स डिवीजन में वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स डी एक्स, तो ये फॉर्मूला होगी टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वन माइनस एक्स डी एक्स। दोनों को सेपरेट करेंगे फ्रॉम जीरो टू वन टेन इनवर्स एक्स डी एक्स माइनस फ्रॉम जीरो टू वन टेन इनवर्स वन माइनस एक्स डी एक्स। सबसे पहले हम इसे बैलेंस करके, क्योंकि दोनों में यहाँ पर सिंपल एंगल है, यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो अगेन यूजिंग बाय प्रॉपर्टी नंबर फोर इन दिस केस जीरो टू वन टेन इनवर्स एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन टेन इनवर्स वन माइनस एक्स इज रिप्लेस बाय वन माइनस एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। दुर्भाग्यवश दोनों सेम है लेकिन ऑपोजिट है, सो फाइनली इसका इंटीग्रेशन होगा जीरो एंड दिस इज द आवर आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हेलो डियर फ्रेंड्स, एकदम से क्लियर? तो दोस्तों यहां पर हम अपना ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। यदि कोई डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और ध्यान रखिए आपकी नोटबुक कल तक ही इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल की नोटबुक में प्रैक्टिस कर देने हैं, ठीक है? तो हम यदि आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा तभी हम नेक्स्ट चैप्टर में स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। यदि कोई डाउट्स है तो हम नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर में इस डाउट को हम क्लियर कर देंगे, यदि है तो, अदरवाइज हम आगे ही बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।